हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द फेवरेट स्टॉक में। और आज हम बात करने वाले हैं कि आज जो है पीएसयू बैंक्स में एक बहुत ही अच्छी तेजी हमें दिखाई थी। हालांकि मार्केट आज कम्प्लीटली डाउन था। अगर आप देखें तो कल के दिन इतना अच्छा मार्केट ऊपर गया और आज हमें सीधी सीधी दिखाई दी। कितने कितने बड़े लेवल पर दोस्तों आज एक प्रॉफिट बुकिंग हुई है। निफ्टी बैंक को अगर आप देखें तो आपको समझ में आएगा कि तकरीबन वो 1.69% डाउन था। इसके अलावा दोस्तों अगर हम दूसरे भी इंडेक्स देखेंगे, निफ्टी 50 को आप देखें, तकरीबन 1% को डाउन था। हालांकि कुछ कुछ इंडेक्स हमें आज अप साइड में दिखाई दिए। निफ्टी नेक्स्ट 50 को ले लीजिए या फिर मिड कैप 50 भी ले लीजिए, ये सारे ग्रीन में आपको दिखाई दे रहे होंगे। बट दोस्तों मेन जो था, अगर मैं आपको लेकर चलूं सेक्टोरल वाइज इंडाइसिस में, तो देखिए यहाँ पर एफएमसीजी सेक्टर आज आपको ग्रीन में दिखाई दे रहा होगा। इसके अलावा ऑटो, बैंक या फाइनेंशियल सेक्टर जो है वो हमें डाउन दिखाई दे रहा है। लेकिन दोस्तों हम बात करने वाले हैं आज पीएसयू बैंक्स के बारे में। देखिए यहाँ पर तकरीबन 1.32% की आज हमें यहाँ पर एक बढ़त दिखाई दे रही है। दोस्तों इस बढ़त में सबसे बड़ा जो एक आज रोल प्ले किया है वो किया दोस्तों एक न्यूज ने। क्या न्यूज थी वो, देखिए मैं सीधा आपको न्यूज के ऊपर ले चलता हूँ, थोड़ा उसको समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ गवर्नमेंट टू इंजेक्ट $2 बिलियन कैपिटल इन 4 पीएसयू बैंक्स थ्रू 0 कूपन बॉन्ड्स। अभी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो है दोस्तों पीएसयू बैंक्स हैं उनमें एक जान फूंकने की कोशिश कर रही है। इतना बड़ा एक कैपिटल जो है दोस्तों वो थ्रू द 0 कूपन बॉन्ड्स। अभी 0 कूपन बॉन्ड होता क्या है, देखिए समय समय पर जो है गवर्नमेंट कई बॉन्ड्स को जारी करती रहती है। बॉन्ड्स कुछ नहीं होता दोस्तों, एक पेपर होता है, राइट, एक रिसिप्ट होती है, लेकिन उसकी एक काफी बड़ी वैल्यू होती है, ठीक है। स्पेशली दोस्तों अगर हम बात करें आज 0 कूपन बॉन्ड्स के बारे में, तो 0 कूपन बॉन्ड में क्या होता है, एक मैच्योरिटी ऑफ टाइम के लिए कोई भी बैंक को उसे दे दिया जाता है, क्योंकि वो बैंक एक्चुअली लेना चाहता है उस चीज, उस बॉन्ड को। तो सपोज यहाँ पर 4 बैंक हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हो बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, ये चारों बैंक दोस्तों जो है इस बॉन्ड को लेना चाहते हैं। तो आरबीआई ने जो है, गवर्नमेंट ने जो है दोस्तों उनको 0 कूपन बॉन्ड दिया है। अब इसमें होगा क्या कि उनको एक मैच्योरिटी ऑफ टाइम के बाद में एक अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। अब सपोज इस जो बॉन्ड की वैल्यू है वो वैल्यू जो है दोस्तों उसकी मैच्योरिटी वैल्यू से बहुत ज्यादा होगी। यस, 0 कूपन बॉन्ड में दोस्तों आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता है, मतलब इन सभी बैंक्स को इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, लेकिन यस मैच्योरिटी कंप्लीट होने के बाद में एक बहुत बड़ा मुनाफा जरूर मिलेगा इस 0 कूपन बॉन्ड्स के जरिए। सो जब तक इनके पास बॉन्ड में है, जब तक इनके पास बॉन्ड है मैच्योरिटी खत्म होने तक, इनको अपने पास में ये बॉन्ड को मतलब सुरक्षित रखना होगा। मैच्योरिटी कंप्लीट होने के बाद में जब ये बॉन्ड को वापस करेंगे तो फिर इन्हें जो उन्होंने पैसे दिए होंगे उससे डबल पैसे या फिर जितना भी मैच्योरिटी पीरियड में एक अमाउंट डिसाइड किया होगा, हालांकि यहाँ पर फेस वैल्यू दिखनी रही है क्योंकि जितना भी फेस वैल्यू होता है उससे कम में ये बॉन्ड इनको मिलते हैं, क्योंकि इसमें आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता ना, इसीलिए। तो आने वाले टाइम पर एक अच्छी मैच्योरिटी आपको डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पर मिलती है। तो डेफिनेटली दोस्तों इन सभी बैंकों के लिए बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि अभी इन बैंकों ने ऐसा क्यों किया या फिर गवर्नमेंट ने इनकी हेल्प क्यों की, तो हम सभी जानते हैं कि जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, फिर इंडियन ओवरसीज बैंक है या फिर यूको बैंक है, एक्सेप्ट अगर हम बात करें बैंक ऑफ इंडिया, तो ये तीनों के तीनों बैंक जो है दोस्तों बहुत ज्यादा बैड लोन्स में डूबे हुए हैं। अगर हम बात करें आज की, देखिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को देख लीजिए आप, इतना ज्यादा मार्केट डाउन था, लेकिन यस पीएसयू बैंक्स काफी अच्छा आज ऊपर थे। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि यस 5 पैसे की यहाँ पर बढ़त दिखाई दे रही है आपको। ऐसे ही अगर आप सारे बैंक देखेंगे ना तो आपको वो इसी प्राइस के रेंज पे दिखाई देंगे, ₹16.30 पे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। बात करें दोस्तों अगर हम इंडियन ओवरसीज बैंक की, तो भी ₹16 पे आपको ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें यूको बैंक की, तकरीबन वो भी ₹11 हमको ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। सो डेफिनेटली हमको यहाँ पर ट्रेड बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि ट्रेड अगर हमको लेना ही है तो इससे बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स पड़े हुए हैं। बट मेन बात दोस्तों यहाँ पर यह है कि जितने पीएसयू बैंक्स हैं उनमें अभी एक हमको तेजी नजर आ सकती है, और जितने और भी पीएसयू बैंक है मैं आपको दिखाता हूँ एक्चुअली कहाँ पर आपको मेनली फोकस करना चाहिए। तो देखिए पीएसयू बैंक है, इसमें आप क्लिक करो, ये पूरी लिस्ट ऑप्शन ओपन हो जाएगी पीएसयू बैंक्स की। और यहाँ पर दोस्तों मेनली जो स्टॉक्स हैं, जैसे कि हो गया SBI, राइट, या फिर हो गया PNB, काफी नीचे आया हुआ है अभी, या फिर हो गया दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा, इन सारे बैंक्स में दोस्तों अभी हमको फोकस करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट ने फैसला लिया है उसके तहत इन सभी बैंक्स में एक अपसाइड दिखाई देगी। क्योंकि कोई सा भी जब बड़ा मूव आता है किसी बैंक के लिए तो उस पूरे सेक्टर में हमें असर दिखाई देता है, और यही होगा यहाँ पर भी, पूरे पीएसयू सेक्टर में ही हमको आज अच्छा खासा असर दिखाई देगा इस न्यूज का। दोस्तों मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है 0 कूपन बॉन्ड और किस तरीके से वर्क करेगा। दोस्तों अगर आज भी आप देखेंगे ना, तो यहाँ पर जो है SBI में देखें आप,
तकरीबन 3 रुपए के चेंजेस हमें नजर आ रहे होंगे। और ये स्टॉक जो है दोस्तों, अगर मैं आप सामने ओपन करूं तो बहुत ही अच्छे लेवल पर दोस्तों अभी ये लेने के लिए, मेरे ख्याल से यहाँ पर हमें काफी अच्छा एक प्रॉफिट बना सकते हैं अगले कुछ दिनों के अंदर। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अगर हम बात करें हम इसके 52 वीक की, तकरीबन 52 वीक हाई की अगर हम बात करें तो 427 रुपए का दोस्तों इसने हाई बनाया हुआ था और अभी ये 364 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पर अभी करीब करीब हमें 70 से 80 पॉइंट की रेंज दिखाई देती है कि इजीली आने वाले दिनों में हमें अचीव करता हुआ दोस्तों ये बैंक नजर आएगा। तो डेफिनेटली दोस्तों कहीं ना कहीं आप यहाँ पर एक कुछ पॉइंट लेकर एक बेनिफिट उठा सकते हैं। पीएसयू बैंक्स का लीडर बैंक है ये, तो ये हमें तो डेफिनेटली दोस्तों ये जो है हमें फायदा जरूर उठाना चाहिए दोस्तों। डेफिनेटली हमको इस मौके को यहाँ से जाने नहीं देना चाहिए। बाकी दोस्तों आपका क्या सोचना है इस जीरो कूपन बॉन्ड के बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप क्या सोचते हैं उन थॉट्स को भी जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि जितने और लोग भी हैं वो भी आपके थॉट्स को जान पाए। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, पसंद आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। यहां तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में।